वर्क एंड हीट के बारे में बात करते हैं जी, हमारे पास वर्क किस तरह से है, अगर हम फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखें हमारे पास क्या होता है जी, हम लिखते हैं W इज इक्वल्स टू एफ इन टू, ठीक है, वर्क हमारे पास जो है वो बराबर होता है किसके, फोर्स इन टू डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, एस लिख देते हैं। अब हमारे पास जो है थर्मोडायनेमिक्स में हम जो वर्क ले रहे हैं वो किस तरह से ले रहे हैं जी, हम कह रहे हैं हमारे पास वर्क आ जाएगा P इंटू डेल्टा V, ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क ले रहे हैं। अब किस तरह से ले रहे हैं जी, इसको हम यहाँ पर बता देते हैं, इनकी यूनिट्स को अगर हम सेटिस्फाई करना चाहें तो हमारे पास फोर्स का क्या होता है, हम कहते हैं MA है, यानी कि मास का हमारे पास यूनिट होता है किलोग्राम, इंटू एक्सेलरेशन के क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से आ जाता है, और इंटू हमारे पास अगेन डिस्टेंस है तो मीटर मल्टीप्लाई होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास वर्क के एज अ होल अगर हम देखें तो इसके अकॉर्डिंग यूनिट्स आ रहे हैं, अगर अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रेशर को हम कहते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है, और वॉल्यूम का क्या होता है जी, हम कहते हैं मीटर क्यूब होता है हमारे पास, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं उसके लिए, यानी कि यूनिट हमने लिख दिया मीटर क्यूब, और फोर्स और पर एरिया जो हमने लिखा हुआ है इसके भी अगर हम यूनिट लिख दें, यहाँ पर हमारे पास फोर्स का क्या है जी, जो हमने यहाँ पर जिस तरह के लिखा था मास इंटू एक्सेलरेशन है, तो किलोग्राम मास का आ जाएगा, एक्सेलरेशन का आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और नीचे क्या है, मीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है इनटू, ये मीटर क्यूब भी है, ठीक है, तो क्या होगा, दो ये मीटर 1 मीटर से हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, अगेन यहाँ पर 1 मीटर बढ़ जाएगा, तो इससे मल्टीप्लाई होके इसके भी यूनिट सेम हमारे पास क्या आ जाएंगे, यानी कि ये जो हमने वर्क की बात की है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएंगे, ठीक है, तो इसलिए हम इस थर्मोडायनेमिक्स में प्रेशर वॉल्यूम वर्क जो है वो ले रहे होते हैं, ठीक है, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। उसके बाद हम एक गैस ले लेते हैं, ठीक है, या हम पर्टिकुलर केमिकल ले लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम इस चीज़ को जो है समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो है हम जो ले रहे होते हैं कि हमारे पास डिफरेंट केमिकल्स हैं और वो क्या करते हैं, एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, तो जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क उन पे हो रहा होता है उसको हम किस तरह से लेंगे, ठीक है। लेट सपोज हमने जो है इसके अंदर कुछ केमिकल्स ले लिए हैं, ठीक है, और हमारे पास क्या होता है, इसके साथ सर्टन केमिकल को हम रिएक्ट करवाते हैं। अब क्या होता है, इसके नतीजे में गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है, गैस हमारे पास जो है वो सर्टन गैस प्रोड्यूस होगी। अब एक्सटर्नल प्रेशर जो इसके ऊपर लग रहा है, यानी कि जो हमारे पास कांस्टेंट होता है बाहर से इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, वो इस तरफ को है, ठीक है, डायरेक्शन अगर हम देख लें तो हमारे पास पिस्टन लेट सपोज यहाँ तक था, ठीक है, हम कह देते हैं कि हमारे पास ये जो पिस्टन था ये क्या था, ये यहाँ तक मौजूद था, तो इस तरह से हम कहते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास गैस प्रोड्यूस होती है इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के नतीजे में, वो क्या होती है जी, यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, ठीक है, अगर हम इस तरह से शो करा दें, चले हम एक डिफरेंट उससे शो करा देते हैं कि हमारे पास ये जो है गैस यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर बनती है, ठीक है। अगर आप इसका हम देखते हैं कि हमारे पास ये इसका एक सर्टन वॉल्यूम है, ठीक है, ये हमारे पास इसका वॉल्यूम मौजूद है, इसको हम लिख देते हैं, ये है जी हमारे पास V1, ठीक है, मैं इसको लिखती हूँ, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास V1 मौजूद है। लेकिन अब क्या होता है, जैसे ये गैस प्रोड्यूस होती है तो ये क्या करता है जी, ये हमारे पास इस पिस्टन को बाहर की तरफ धकेलता है, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर जस्ट जो हमारे पास नॉर्मल 1 एटमोसफेयर है वही मौजूद होता है, तो एक्सपेंशन होती है, यानी कि गैस जब प्रोड्यूस हुई है तो ये जो पिस्टन होगा ये हमारा क्या करेगा जी, हमारे पास इस तरफ को मूव करेगा, तो यहाँ पर अगर हम इस तरह से शो करा दें कि ये हमारे पास इतना रह गया आप वॉल्यूम, ठीक है, ये जो वॉल्यूम है ये हमारे पास चेंज हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या होगा जी, ये हमारे पास इतना सा अब आ जाएगा, तो इसको अगर मैं वॉल्यूम चेंज के साथ लिखूं तो अब ये हमारे पास क्या बन रहा है, यहां से लेकर यहां तक हो गया V2 हो गया, ठीक है, तो वॉल्यूम ने जो इसमें चेंज आया है उसने किस तरफ को मूव किया जी, इस तरफ को, ठीक है, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन है इसकी अगर हम देखें, तो ये पिस्टन जो है हमारे पास इस तरफ को मूव करेगा, तो यानी कि अगर हम इसको चेंज इन वॉल्यूम को देखें तो हमारे पास इतना आया है, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक बता दूं तो ये हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम आया है, ठीक है, तो मैं इसको डेल्टा वी लिख देती हूँ, ठीक है,
ये हमारे पास वॉल्यूम का चेंज आया, लेकिन चूंकि ये हमारे पास जस्ट डिस्टेंस है, यानी कि हम कह रहे हैं एरिया तो इसका वही रहा है ना, यानी कि नीचे से जो हमारे पास है ये वाला जो हमारे पास विड्थ थी वो तो हमारे पास कॉन्स्टेंट रही है, जबकि इसमें हमारे पास यानी कि उसमें जो हम ले रहे हैं डिस्टेंस को ले रहे हैं, तो हमारे पास डेल्टा एक्स जो है वो हमारे पास क्या आया है जी, वो चेंज आया है, यानी कि इसको हम डिस्टेंस के तौर पर ले रहे हैं और डिस्टेंस को मैंने एक्स के तौर पर रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो एज अ होल अगर हम इसको लिखें तो यहाँ पर मैं अगर इसको डेल्टा वी ना लिखूँ, ठीक है, तो मैं क्या लिख देती हूँ जी, यहाँ पर जो हमने यहाँ बात की है इसको डेल्टा एक्स लिख देते हैं, क्योंकि डिस्टेंस इसने मूव किया ना, यहाँ पर जो इसका हम यहाँ से एरिया ले रहे हैं वो तो उसका वही है, ठीक है, यानी कि इस ट्यूब का अगर मैं बात करूँ तो नीचे से तो यहाँ पर हम जो ले रहे हैं जहाँ पर गैस मौजूद है वो तो कांस्टेंट रहा है ना, सिर्फ उसने क्या किया है कि यहाँ से यहाँ पर पिस्टन को मूव किया है, जिसकी वजह से हम ये वाली जो चीज़ है उसको हम डेल्टा एक्स के तौर पर ले रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। और प्रेशर को हमने क्या कहा है जी, हमारे पास वो एक्सटर्नली इस तरफ को लग रहा है, तो इन दोनों का एंगल जो आ रहा है, ठीक है, वो हमारे पास क्या आ रहा है, एक तरह की इसको अगर हम फोर्स कंसिडर करते हैं, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया हम इसको कंसिडर करते हैं, और इसको हम लेते हैं जी डेल्टा एक्स इंटू एरिया, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास मीटर क्यूब होता है, और एरिया का क्या होता है जी मीटर स्क्वायर, और इंटू एक्स जब हम करते हैं तो मीटर होता है, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर हम जब करेंगे तो वॉल्यूम का यूनिट बन गया ना मीटर क्यूब, इसी तरह से फोर्स अपॉन एरिया की हमने बात की तो वो प्रेशर है हमारे पास, ठीक है, तो इस तरह से हमने कहा कि हमारे पास एरिया जो है वो हमारे पास कॉन्स्टेंट रह रहा है, जबकि चेंज जो आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास डिस्टेंस का आ रहा है, इसके दरम्यान में जो पिस्टन ने मूव किया है और गैस हमारे पास प्रोड्यूस करके यहाँ तक पहुँच गई है, ठीक है, उसके केस में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है जी, हमारे पास डिस्टेंस का चेंज आ रहा है, इस वजह से हमने यहाँ पर ये लिखा है, ठीक है। अब इसको अगर हम लेते हैं एरिया को, इससे हम कैंसिल कर देते हैं क्योंकि नीचे भी मौजूद है यहाँ भी, तो हमारे पास यहाँ पर समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं जी, इसको एफ इंटू एफ डॉट डेल्टा एक्स हम ले रहे हैं, ठीक है, और इसको हम जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है एफ इंटू डेल्टा एक्स कॉस थीटा आ जाएगा, और थीटा यानी कि एंगल इन दोनों वेक्टर्स में क्या बन रहा है, यानी कि इस तरफ को फोर्स लग रही है, ठीक है, प्रेशर की जो हम बात कर रहे हैं, और जो डिस्टेंस मूव हो रहा है वो इस तरफ को हो रहा है, तो इन दोनों के दरम्यान में हमारे पास एंगल क्या आ रहा है 180 का, तो यहाँ पर जब हम 180 पुट करेंगे एफ इंटू डेल्टा एक्स और कॉस लेंगे 180 का, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास -1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो वर्क हुआ है वो क्या हुआ है जी, हमारे पास नेगेटिव वर्क हुआ है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, -P del V, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि सिस्टम ने जो हमें वर्क करके दिया है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं बाय द सिस्टम, ये वर्क है बाय द सिस्टम, ठीक है, अब एक्सपेंशन हो रही है ना, ठीक है, गैस को क्या कर रहा है जी, वो एक्सपैंड कर रहा है, तो ये वर्क बाय द सिस्टम है, वर्क डन बाय द सिस्टम हम लिखते हैं, ये क्या है हमारे पास नेगेटिव है, ठीक है। और इस तरह से अगर हम इसके ऑपोजिट बात करेंगे, अगर यहाँ पर हम लिख देते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम, ये हमारे पास नेगेटिव है, और जब हमारे पास वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो वो P del V हमारे पास पॉजिटिव होगा, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि हमारे पास पॉजिटिव है वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है, ऑन ऑन द सिस्टम। इसके अलावा जब हम बात करेंगे हीट की, जो कि क्यू से रिप्रेजेंट हमने यहाँ पर की हुई है, जब अब्जॉर्ब होती है तो उसको पॉजिटिव हम कंसिडर करते हैं, और जब वो रिलीज होती है तो उसके साथ हम नेगेटिव की इस तरह से जो भी हमारे पास वैल्यू होगी उसके साथ हम नेगेटिव साइन शो करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा वर्क एंड हीट, कि हमारे पास वर्क डन बाय द सिस्टम हो तो वो नेगेटिव होगा, और ऑन द सिस्टम हो तो वो पॉजिटिव होगा, जबकि हीट जब एब्जॉर्ब होगी सिस्टम के अंदर तो हमारे पास पॉजिटिव होगी, और जब वो रिलीज होगी तो उसको हम नेगेटिव लेंगे,